पूरा हुआ, कायरव का सपना हो गया, कार्तिक और कायरव का मिलन। हाँ हाँ, ये सपना नहीं सच है, कायरव के साथ कार्तिक ही है। हो गया है आज कायरव और कार्तिक का मिलन। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कायरा फैंस जिस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, देखिए वो पल, वो लम्हा आ गया है। कायरव से मिलने आए हैं कार्तिक, और जब जूनियर एंड सीनियर गोयन का मिले हैं तो जमकर झूम रहे हैं। जी हाँ, कार्तिक गोवा आते हैं कायरव की वजह से। वेदिका और कार्तिक दोनों आते हैं, लेकिन कार्तिक कायरव के पास आ जाते हैं। कायरव और कार्तिक मिलते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीक्वेंस है जहाँ पे कार्तिक और कायरव का मिलन बेसिकली, जहाँ वो लोग मिलते हैं पहली बार, बहुत ही प्यारा सीक्वेंस है। कार्तिक की बाहों में कायरव को इतना सुकून मिलता है कि कायरव कार्तिक की गोद में ही सो जाते हैं। कार्तिक अपनी जैकेट कायरव को उड़ा कर चले जाते हैं। वहीं कायरव को ढूंढते हुए नायरा जैसे ही अपने घर पहुंचती है, कायरव को सोता देख इमोशनल हो जाती है। अपने आंसू नायरा रोक नहीं पाती। अगले ही पल जैसे ही नायरा वो जैकेट देखती है, उन्हें भी अपने पन का एहसास होता है। लेकिन नायरा कार्तिक की यादों को अब अपने ख्यालों में भी नहीं लाती। जब कायरव नहीं मिलते, बहुत ढूंढती है नायरा लीजा उसके साथ, दोनों बहुत ढूंढ रहे हैं कायरव को, कहीं नहीं मिलता। फिर बाद में जब उसका फ़ोन ट्रैक करवाते हैं तब पता चलता है कि कायरव घर की तरफ है, घर पे पहुंच चुके हैं। तो बस नायरा भाग के घर आती है, और घर जब तक नायरा घर पहुंचती है तब तक कायरव सो रहे होते हैं एक जैकेट ओढ़ के। तो वो जैकेट जब नायरा देखती है, उस जैकेट से उसे कुछ महसूस होता है, मे बी कार्तिक का डीओ हो या कुछ, उसे लगता है कि ये तो मतलब उस जैकेट से उसे कार्तिक का एहसास होता है। लेकिन फिर वो इस बात को हटा देती है अपने दिमाग से, और फिर कायरव के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है कि बच्चा घर से भागा था एक फ़ोन कॉल, एक मतलब किसी से सिर्फ फ़ोन पे बात करने की वजह से, कल के दिन कुछ गलत ना कर ले, उसको कुछ ना गलत हो जाए, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। नायरा इस बात से अनजान है कि जिस शख्स को कायरव अपने पापा समझकर बात कर रहे हैं, मिलने के लिए घर से भी निकल गए थे, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कार्तिक ही है। फिलहाल नायरा सच से अनजान है, इसलिए नायरा उस शख्स से मिलना चाहती है जिसे कायरव अपना पापा समझने लगे हैं। जी, नायरा को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। पहले तो नायरा को ये भी नहीं पता है कि कायरव जिससे बात करता है वो उसके पापा ही है, वो कार्तिक ही है। और पता नहीं, लेकिन जब से कायरव ये पापा पापा की बात कर रहा है तो नायरा को हर बार ऐसा फील होता है कि कार्तिक हो सकता है या कार्तिक है, उसको फील होता है ये चीज़, लेकिन शी इज़ नॉट श्योर अबाउट इट। इसी बीच कायरव का नाम सुन कार्तिक को फिर आएगी नायरा की याद। कार्तिक वो लम्हे याद करेंगे जब नायरा और कार्तिक ने अपने भी बेबी बॉय का नाम कायरव ही चुना था। हाँ, एक फ्लैशबैक भी आने वाला है बहुत जल्दी, जो जहाँ पे कार्तिक और नायरा फ्लैशेस आप देख ही रहे हैं, फ्लैशबैक्स आते ही रहते हैं। एक और फ्लैशबैक आने वाला है जहाँ पे कार्तिक और नायरा बेबी को लेके, बेबी के नाम क्या, अगर बॉय हुआ तो क्या नाम रखेंगे, गर्ल हुआ तो क्या नाम रखेंगे, नाम डिसाइड कर रहे हैं, जहाँ पे वो लोग कायरव डिसाइड करते हैं। और कार्तिक जब कायरव सुनता है तो उसे नायरा की याद आती है। कायरव के साथ अपने रिश्ते से अनजान कार्तिक अब कायरव की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। लेकिन तब क्या होगा जब कार्तिक के सामने नायरा का राज खुलेगा, जब कार्तिक ये जानेंगे कि नायरा जिंदा है और गोवा में अपने बेटे कायरव के साथ अलग जिंदगी बिता रही है। मुंबई से अपर्णा द्विवेदी की रिपोर्ट, E24।